पंचकुला में आज शनिवार को दिल्ली आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने किसान आंदोलन पर भाजपा को घेरा है। उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी के नेता व स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सत्येंद्र जैन ने सिंगो बॉर्डर पर गत दिवस किसानों के पीने के पानी को रोके जाने को दुखद घटना बताया है। उन्होंने कहा कि वह केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि किसानों का पानी व खाने का सामान जाने दें। किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को दिल्ली में हुई घटना पर बोलते हुए कहा कि लाल किले में लोगों को अंदर घुसने दिया गया और ये सब प्रकरण पहले से प्लान किया गया था और जिन्होंने ये झंडा फहराया उनकी फोटो देश के प्रधानमंत्री के साथ चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सत्येंद्र जैन ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी 6 राज्यों में आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे, जिसमें से हिमाचल प्रदेश भी एक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी यूपी चुनाव में खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश को रिवर्स गियर में लेकर जा रही है। उन्होंने दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर किसानों पर ग्रामीणों द्वारा पथराव किए जाने की घटना पर बोलते हुए कहा कि वे लोग स्थानीय नहीं थे बल्कि बीजेपी के लोग थे और पुलिस ने भी उनका साथ दिया है, उन्हें नहीं रोका गया है। चंडीगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि देश महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। कल एक बहुत ही दुखद प्रकरण आज देश के इतिहास में, भाजपा की सरकार ने दिल्ली के अंदर जो आंदोलन कर रहे किसान हैं, जो धरना दे रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, उनका पानी बंद कर दिया है। उनके लिए जो दिल्ली सरकार ने पीने के पानी का इंतजाम किया था उनको रोक दिया। ऐसा अमानवीय कृत्य कभी देखने में और सुनने में आया नहीं है और इस तरह का जो काम है हमारे देश की बदनामी पूरी दुनिया में कराएगा कि अपने देश के ही लोगों का अगर पीने का पानी तक भी किसी सरकार ने बंद किया है तो इसमें हमारी बहुत बदनामी होगी। मैं केंद्र सरकार से और बीजेपी से अपील करता हूं कि किसानों का पानी खाने का सामान जाने दें और उनके लिए जो बेसिक सुविधाएं, कल तो उन्होंने जो डॉक्टर सब में बिठा रखे उनको भी अंदर नहीं जाने दिया, डॉक्टरों का इलाज भी नहीं करने दिया, टॉयलेट की सफाई भी जो करने के लिए जाते हैं उनको भी नहीं जाने दिया, तो ये बहुत ही गलत है, इसको ठीक करना चाहिए। 26 जनवरी की जो घटना हुई है बिल्कुल गलत है। 26 जनवरी पर जो हुआ वो ऐसा लगता है स्टेज मैनेज था। देखो 26 जनवरी के दिन पूरा लाल किला बंद होता है और लाल किले के जो गेट है ना इतने मोटे मोटे हैं, इतने मोटे मोटे हैं, समझ नहीं आया कि गेट खुले क्यों थे। और जो लोग आए उनको बाकायदा अंदर लेके जाया गया और पूरे प्राचीर, लाल किले के प्राचीर पर चढ़ने का रास्ता बताया गया। अगर वो गेट बंद होते तो मुझे नहीं लगता कि उसको टैंक भी तोड़ सकते हैं। उसको तोड़ने के लिए तुम्हें तोप और टैंक के गोले चलाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं खुलते कि आदमी घुसे। अरे वो विशाल दरवाजे अब देख के ना, आप तो मीडिया वाले हैं, किसी ने देख के आओ, अगर लाल किले का किला है वो महल नहीं है, किला कहते ही उसको है जिसमें दुश्मन को रोका जा सके। उसके दरवाजे इतने मोटे मोटे दरवाजे और वो खोल दिए गए तो इसका मतलब वेल प्लान था। और वैसे भी जिन लोगों ने तिरंगा फहराया वहाँ पर, और तिरंगा की जगह पर जो झंडा फहराया वो सारे के सारे तो बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी फोटो छप रही है, वो सबको पता है। और सर जो पुलिस वाले घायल हुए हैं 394, बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ जिन्होंने हिंसा की है हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु हिंसा करने वाले कौन लोग हैं उनको ढूंढने की आवश्यकता है, वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो मंत्री आज हरियाणा का दौरा है, आप क्या? मैं हरियाणा के साथ साथ अभी शिमला जा रहा हूँ, वहाँ पर हम प्रदेश का कार्यालय खोलने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि देश के अंदर 6 राज्यों का इलेक्शन लड़ा जाएंगे आने वाले समय में, उसके अंदर हिमाचल प्रदेश भी है, तो वहाँ पर जाना है। और अभी जैसा कि हमारे MP साहब ने बताया, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने, कि हरियाणा के अंदर आने वाले जितने भी निकाय चुनाव हैं, जितने भी जिला पंचायत के चुनाव हैं और गांव के प्रधानी के इलेक्शन है, सभी इलेक्शन हमारी पार्टी लड़ेगी, उसकी तैयारी और समीक्षा की जा रही है। बीजेपी सरकार से जिस तरह के एलिगेशन लोगों ने लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार देश को किस दिशा में लेके जा रही है? मतलब देश की रिवर्स गियर में लेके जा रहे हैं आज एक्चुअली में। जब गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी में एक तो विंड स्क्रीन होती है बड़ी और एक रियर व्यू मिरर होता है। रियर व्यू मिरर में छोटा सा होता है परंतु पीछे का दिखाई देता है। ये हमेशा फ्रंट में देख के गाड़ी नहीं चला रहे, ये रियर व्यू में दिखा रहे। 1206 में ये हुआ था, 1301 में ये हुआ था, अरे कोई ये नहीं कहता 2025 में देश कैसा होगा,
2030 में देश कैसा होगा, 2100 में देश कैसा होगा, रियर व्यू में गाड़ी चला रहे हैं। और अगर रियर व्यू में गाड़ी देख के चलाओगे टक्कर मारोगे देश को, ये भट्टा बैठाएंगे। और ऐसा लगता है कि रियर व्यू में गाड़ी चलाने की वजह से देश का बेड़ा गर्क करें। संघू बॉर्डर पे जो कल हुआ स्थानीय लोगों द्वारा किया गया तो उस पर क्या कहें? स्थानीय लोग बिल्कुल नहीं थे, मैं उस समय वहीं पर मौजूद था, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के पदाधिकारी थे। उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस ने, मैं कहता हूँ पुलिस ने खुद तो हाथ नहीं उठाया पर उनको पूरा मौका दिया। मुझे दिल्ली का मंत्री होते हुए भी उन्होंने बैरिकेड के आगे नहीं जाने दिया और मेरे देखते देखते सामने से बैरिकेड खोल के उन जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जाने दिया और किसानों पर हमला करने का मौका दिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.